हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिससे जल जो सर्विसेज हैं या जो सीवरेज सर्विसेज हैं उस पर असर पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि किस तरीके की यह हड़ताल है और क्या रोडवेज कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हड़ताल हमारा समर्थन है, क्योंकि सरकार लगातार दमन कर रही है विभागों पर, और इसी कड़ी में हमारे विभाग को मैकेनिकल जन स्वास्थ्य विभाग को भी सरकार ने नगर निगम में भेजने का निर्णय लिया है, उसका विरोध कर रहे हैं हम आज बैठ के, और इसी कड़ी में रोजगार समर्थन भी कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की इस हड़ताल से कितने जो कर्मचारी हैं जो अपना कामकाज छोड़ देंगे और सेवाओं पर किस तरीके का असर पड़ेगा? जो हरियाणा रोडवेज की जो हड़ताल चली हुई, आज उसका सातवां दिन है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित तमाम यूनियन, जिसके अंदर मैकेनिकल वर्कर यूनियन भी, पूरा समर्थन करती है, और जल्द ही तमाम संगठनों की जो संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की है उनकी बैठक होकर के निर्णय होगा, और निर्णय के बाद जो हमारे पास फैसला आएगा उसके तहत सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा तमाम संबंधित यूनियन हड़ताल के अंदर समर्थन करने के लिए अपना फैसला लेकर के शामिल होंगी। रोडवेज कर्मचारी नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम जो महासंघ से जुड़े कर्मचारी संगठन है 22 महकमों के, वो हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। सर्व कर्मचारी संघ हड़ताल की तैयारी कर रहा है, ऐसे में मैकेनिकल जो वर्कर्स यूनियन है उसकी तरफ से भी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। रोडवेज में मौजूदा स्थिति क्या है और आगे किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है? रोडवेज के आज सात दिन से लगातार रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पे हैं, और कल सरकार के बुलावे पर तमाम तालमेल कमेटी के सदस्य चंडीगढ़ में एकत्रित हुए, लेकिन पाँच दौर की वार्ता के बाद भी सरकार इतनी हठधर्मिशा से कार्य ले रही है कि हम परमिटों से पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन रोडवेज की तालमेल कमेटी के सभी सदस्यों ने कह दिया कि जब तक 720 परमिट रद्द नहीं हो जाते, सिर्फ एक सूत्री मांग है, आके परमिट रद्द किए जाएं। हमारा निजी कोई वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग नहीं है, जनता के लिए परिवहन विभाग के कर्मचारी 720 परमिट रद्द करवाने के लिए सरकारी बेड़े में 8000 बसें जोड़ने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, और जब तक सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत दिए गए लाइसेंस को रद्द किए जाने की मांग के साथ ही ये जो हड़ताल आगे बढ़ रही है उसके साथ ही तमाम जो दूसरे कर्मचारी संगठन है वो भी अपनी तरफ से हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में सर्व कर्मचारी संघ भी अगर अपनी तरफ से हड़ताल का फैसला ले लेता है तो एक तरीके से पूरा हरियाणा का जो सरकारी व्यवस्था है, या कहें कि पूरे हरियाणा के जो सरकारी महकमे हैं, पूरी तरह ठप हो जाएंगे। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।